नमस्कार, दोपहर वार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। आज हम बात करेंगे नायक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालने के साथ ही साथ प्रदेश की बिगड़ी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का जो बीड़ा उठाया था वो आज भी जारी रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 48 घंटों में आधा दर्जन जिलों में यूं ताबड़तोड़ रेड की है कि नकारा अफसरों और दलालों की नींद हराम हो गई है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मिर्जापुर में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं और इन दौरों से प्रदेश की सुस्त अफसरशाही को राइट टाइम कर दिया है और करने की कोशिश की है। फैसला ऑन द स्पॉट की तर्ज पर सीएम योगी ने कड़े फैसले भी लिए हैं कल प्रतापगढ़ में, और इसी पर चर्चा करेंगे। क्या क्या कड़े फैसले लिए हैं वो भी आपको बताएंगे। जल निगम में भ्रष्टाचार को लेकर जब उनसे शिकायत की गई, उन्होंने एक पूर्व इंजीनियर की गिरफ्तारी के भी आदेश वहां से जारी करवाए। जल निगम में घोटाले में जो भी अफसर उसमें संलिप्त पाए गए, जिनका नाम आया, उनके सस्पेंशन के भी ऑर्डर्स वहां से जारी किए गए, और साथ ही साथ डीएम और एसपी को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि आंकड़ों से खाली काम नहीं चलेगा, ग्राउंड रियलिटी क्या है इसको सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे लेना होगा। उनका ये कहना था अफसरों को, खासतौर से एसपी को, कि अगर मुठभेड़ भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो फिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला जुला के ये जो नायक स्टाइल है ये पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे चलेगा, हर गांव में किस तरीके से इसका एक्शन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों गांव हैं और उन गांव में जैसे कि कल मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाई थी और जो शिकायतें की गईं वहां पे गांववासियों की तरफ से कि इन इन योजनाओं में भ्रष्टाचार है, तो तमाम जगहों पे जो भ्रष्टाचार फैला है उस पर कैसे कंट्रोल होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हरिशंकर श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण प्रकाश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, सपा नेता, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का दोपहर वार, और देखते हैं कि नायक स्टाइल में जो सीएम इन दिनों काम कर रहे हैं उसका क्या एक्शन हो रहा है। तो इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको सीएम के एक्शन के शॉर्ट सिनॉप्सिस को बताते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद कल पहली बार प्रतापगढ़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ के, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तेवर तल्ख रहे। आज भी वो प्रतापगढ़ के बाद सुल्तानपुर और फिर मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। कल उन्होंने प्रतापगढ़ में जल निगम में करोड़ों के घोटाले के दर्ज मुकदमे में 24 घंटे के भीतर पूर्व अधिशासी अभियंता एक्सीएन की गिरफ्तारी का फरमान सुनाया और साथ ही साथ उस घोटाले से संबंधित एई और जेई को सस्पेंड करने का आदेश दिया। जिले में बढ़ रहे अपराध पर भी उन्होंने एसपी को खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान मॉडल स्कूलों के संचालन न होने पर सीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक को भी फटकार लगाई। योगी ने आंकड़ों की बाजीगरी से अफसरों को दूर रहने की हिदायत देते हुए कहा कि धरातल पर दिखें और धरातल पर रहें और काम भी धरातल पर दिखें। विकास भवन में सोमवार को जिले की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान योगी एक्शन में नजर आए। एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर सीएम नाखुश नजर आए। उन्होंने एसपी को फटकार लगाई और कहा कि अगर बदमाशों के साथ लगातार मुठभेड़ हो रही है और आरोपी गिरफ्तार भी हो रहे हैं तो फिर जिले में अपराध क्यों नहीं कम हो रहे। जल निगम में करोड़ों रुपए के घपले के मामले में पूर्व अधिशासी अभियंता राजेश खरे और ठेकेदार को 24 घंटे में गिरफ्तार करने और आरोप साबित होने पर उनकी संपत्तियां जब्त करने का निर्देश सीएम ने कल वहीं ऑन द स्पॉट सुना दिया। और साथ ही साथ जिले से ट्रांसफर होकर आए तत्कालीन सहायक अभियंता एके श्रीवास्तव और अभियंता सुधीर श्रीवास्तव को अधीक्षण अभियंता से निलंबित करने और सभी को गिरफ्तार करने के लिए कहा। सीएम ने पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में कागज पर विद्युतीकरण करके करोड़ों रुपए हजम करने वाली कंपनी के खिलाफ भी एक्शन लेने को कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। हम जिक्र कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो कि 48 घंटे से जबरदस्त एक्शन में है। कल प्रतापगढ़ में चौपाल लगाई उन्होंने और ग्रामवासियों ने जब घोटाले का जिक्र किया जल निगम में, तो उन्होंने वहीं से अफसरों को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से आपका परिचय करा दें। हरिशंकर श्रीवास्तव जी, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अरुण प्रकाश जी, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मनोज यादव जी सपा नेता, आप भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण प्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे एक तरह से बड़ा है, सबसे पॉलिटिकली अवेयर भी है, कुल मिला जुला के सरकार आने के बाद जिस तरह से एक्शन लगातार हो रहे हैं उनको आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार, क्या आपको लगता है कि लूट खसोट, क्या आपको लगता है कि तमाम चीज़ों में कमी आई है? क्या आपको लगता है कि एक तरह से जो इनकी राज्य को लेकर अवधारणा थी, राम राज्य को लेकर जो अवधारणा थी, कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कमी आई है, इसलिए कि एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं लगातार लेकिन क्राइम भी हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आदरणीय रमन जी, मैं इस बात को मानता हूँ कि आदरणीय योगी जी की सरकार जिस आशा और विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश के जनमानस ने उनको एक बहुमत दिया था, वो करीब करीब वो खो चुके हैं। आदरणीय योगी जी का और उनके मंत्रिमंडल का जो इकबाल था वो ख़त्म हो चुका है। चाहे सहारनपुर से और गाजीपुर के बीच में हम बात करें, तो चाहे किसानों का शोषण हो, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का शोषण हो और ख़ास करके अपराध बेतहाशा बढ़ा हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस चीज़ों को ध्यान देंगे कि NCRB के रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 200 गुना जब से योगी जी की सरकार आई है इस प्रदेश में क्राइम बढ़ा है। मैं अनुभवहीन क्यों कह रहा हूँ कि 20 साल हिंदुस्तान की संसद में रहने के बाद अगर आदरणीय योगी जी इस देश के ब्यूरोक्रेसी, इस देश के टेक्नोक्रेसी के सिस्टम को नहीं जान पाए हैं और उनको गांवों के भ्रमण करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर 59,163 ग्राम सभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, 1,00,000 ग्राम हैं उत्तर प्रदेश में, तो किस तरीके से वो एक छन्नी लगा करके, ऐसी कौन सी छन्नी होगी कि छान पाएंगे वो? कल मैं जब देख रहा था, परसों की बात है, वाकया है, जब वो शाहजहाँपुर में घूम रहे थे और सरकारी डायरियों को वो उलट और पलट रहे थे, तो मुझे बहुत ही दुखद स्थिति का सामना करना पड़ा था। मैं स्वयं दुखी हो रहा था। क्यों दुखी हो रहे थे आप? मैं इसलिए दुखी हो रहा था कि उन अधिकारियों से, उन्हीं सरकारी आंकड़ों को लेकर के ही वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने को जोड़ रहे थे। सबसे पहली बात, उन्होंने गेहूँ के और धान के खरीद पर बात की और मंडियों की खरीदारी मंडी के सचिव को तलब किया। मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की किसान बही बनी हुई है। योगी सरकार ने ही एक काम किया है कि किसानों को पहले कहा कि रजिस्ट्रेशन कराइए और मंडियों में, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप गेहूं बेच सकते हैं, वो भी एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना, दो दो महीना इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों को बोरा नहीं मिल रहा है, तमाम तरीके समस्याएँ आ रही हैं। सीधे जोड़ना चाहिए था प्रधान से, ग्राम सचिव से और लेखपाल के माध्यम से कि गेहूं की खरीदारी होगी और उनके किसान बही में इसकी एंट्री होगी आधार कार्ड के माध्यम से। उस जब जिस आधार कार्ड की चर्चा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस आधार कार्ड के माध्यम से किसान बही जो बनी है उसमें एंट्री होनी चाहिए। जी, एक बात बताइए, इससे पहले जितने मुख्यमंत्री रहे, कितने उन्हें रात्रि चौपाल लगाई, कितने लोग गांव में जाके किसानों का दुख दर्द कितने लोगों ने बांटा, बताइए। कम से कम ये कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। देखिए रमन जी, निश्चित रूप से ये मैं अप्रिशिएट जरूर करता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ओठों पे लिपस्टिक और गालों पे लेवेंडर लगा करके जो लोग उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ मंत्री हैं, उनके स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री जब ये कहते हों कि अगस्त के महीने में बच्चों की मौत होती हो तो अकेले योगी क्या करेंगे, स्थिति होती। हरिशंकर श्रीवास्तव जी, कल जिस तरह से 24 घंटे 48 घंटे दनादन योगी जी दौरा कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, कल उन्होंने प्रतापगढ़ के SP को बोला भी कि आंकड़ों से इतर हटके ज़मीनी हकीकत पर काम कीजिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना DM SP दोनों की जिम्मेदारी है और इसमें अगर कोई कोताही बरती जाएगी तो ये दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे हर ज़िले में। कंसर्न ये है कि इससे पहले जो सवाल मैंने अभी पूछा है अरुण जी से, कि इससे पहले मुख्यमंत्रियों ने कभी रात्रि विश्राम के बारे में सोचा नहीं। बेसिकली रात्रि विश्राम एक तरह से जनता से इंटरेक्शन है, गाँव से इंटरेक्शन है और उसका एक बहुत बड़ा मैसेज आता है, तो दूसरी पार्टियों को इसमें बुराई क्या लगती है? हरिश्चंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए रमन जी, जी ये जो ये कांग्रेस के हमारे मित्र या जो विभिन्न विपक्षी दल के मित्र हैं, ये जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको लगता है कि पूरे देश पे, संविधान पे, न्यायालय पे, हर जगह संकट ही संकट आ गया।
इनको इनका चश्मा ऐसा हो गया है कि एक भी सकारात्मक काम इनको नजर नहीं आता। आज अगर विपक्ष के मित्र इस बात की सराहना करते कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से गांव में जा रहे हैं, गांव में चौपाल लगा रहे हैं, गांव में गरीबों के घर जा रहे हैं, उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं, तो जो एक सामाजिक भेदभाव को दूर कर रहे हैं, वहीं विकास योजनाओं की धरातली सच्चाई से सीधे रूबरू हो रहे हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं जी, और कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि इस ब्यूरोक्रेसी के सभी दल ये कहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी और ये संवेदनहीन हो गई है, जवाबदेह नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है जी। तो उसी को, उसी ब्यूरोक्रेसी को जब जवाबदेह बनाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए, संवेदनशील बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं, तो इसकी अगर अगर सकारात्मक दृष्टि होती विपक्ष की तो इसकी सराहना करता और उससे लोकतंत्र और मजबूत होता जी। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, ये सब लोग सामंती व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग हैं, समाज को जात पात के टुकड़े टुकड़े में बांटने के यकीन करने वाले लोग हैं। इसलिए अब इनका तो इतने दिनों में कोई मुख्यमंत्री गांव में जाकर के प्रवास नहीं किया। हरीश जी, क्या हमारे ही घर जाके भोजन नहीं किया? क्या हमारे ही नेता करोड़ों के सूट और बूट पहन रहे हैं जाकर के? हरीश जी, विकास की योजनाओं की जो धरातलीय सच्चाई है, आदरणीय हरीश जी, प्रयास नहीं किया इन्हीं के? आदरणीय हरीश जी, प्रधानमंत्री 2 लाख रुपए का पेन लगाते हैं प्रधानमंत्री जी। कि जब मैं दिल्ली से 1 लाख रुपया देता हूँ तो 1 रुपया देता हूँ तो 15 पैसा नीचे पहुँचता है। आज जब 100 पैसा पहुँच रहा है नीचे गरीबों के किसानों, फिर अगर 100 पैसा पहुंच रहा है तो फिर ये तो वो फिर अधिकारियों की सराहना कीजिए आप इसके मित्र के पास। हरीश जी, फिर सराहना कीजिए उनको सस्पेंड करने की बात क्यों? मनोज जी क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं उससे, और जो उनका उनकी कार्यशैली है उससे कहीं ना कहीं जो कॉकस बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी में उसमें कोई फर्क पड़ेगा? देखिए रमन जी, आपका सवाल बेहतरीन है, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना मैं चाहता हूं कि अगर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ये चाहते हैं कि विपक्ष उनके मुख्यमंत्री के दौरे से विपक्ष प्रशंसा करे तो उससे व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी, तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले इस बात की प्रशंसा करेगी कि आप प्रतापगढ़ गए, शाहजहांपुर गए, लखीमपुर गए, सुल्तानपुर गए, मिर्जापुर गए, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका ये कार्य बहुत सराहनीय है। बस इसके बाद एक सवाल मेरी तरफ से है, इन जिलों का क्या कायाकल्प हो जाएगा उसका समय निर्धारित करके? इन जिलों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों का। देखिए अभी जितने जिलों में गए, चूंकि क्यों गए 6 जिलों में, ये भी बता दे रहा हूं ना आपको रमन जी, मैं चीजों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करता हूं। 6 जिलों को गए हैं, 6 दिन का कर्नाटक का दौरा है, आप ही सवाल उठाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, विपक्ष सवाल उठाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 6 दिन के लिए कर्नाटक चले गए चुनाव प्रचार में, तो उस बात को भी सोचना है ना। पहले 6 दिवसीय दौरा हो गया, 6 जिलों में 2-2 घंटे एक जगह रात विश्राम हो गया, 1 दिन में 3-3 जिले निपट गए, अब 6 दिन कर्नाटक में हिंदू मुसलमान करेंगे, सिद्धरमैया जी से वहां पे लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, चूंकि डेवलपमेंट के लिए नहीं बने हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी तो बने हैं पूरे भारतवर्ष में बीजेपी के हिंदू एजेंडे को फैलाने वाले मुख्यमंत्री, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। आप ये बता दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता ये बता दें कि इन जिलों के बारे में रमन जी अगली डिबेट कब करा ले, जो इन जिलों का मुख्यमंत्री जी के दौरे के बाद कायाकल्प हो चुका होगा। हरीश जी, रमन जी जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले पारदर्शी व्यवस्था और सुशासन की बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की थी, उस एजेंडे पे सरकार पूरी मजबूती से पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रही है। और ये जो अगर हमारे समाजवादी मित्र को ये दिखाई पड़ रहा हो कि किस तरह से गाँव के लोगों से जो उन्होंने चाहे शौचालय को लेकर के हो या अन्य योजनाओं को लेकर के जिस तरह से लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को तात्कालिक निर्देश दिए, तो ये विकास की योजनाओं को उसके क्रियान्वयन के सच से रूबरू होकर के मुख्यमंत्री जी ने जो इस ब्यूरोक्रेसी को, इस सिस्टम को जवाबदेह बनाने के लिए, उत्तरदायी बनाने के लिए जो जो पहल की है,
वो अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए चलिए उसकी उसके हम सराहना करते हैं, लेकिन लेकिन सरकार के जी उसके हम सराहना करते हैं, लेकिन कल जब उन्होंने चौपाल लगाई थी उसी गांव में लोगों ने तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की। अब सवाल ये उठता है कि देखिए विपक्ष सवाल उठाएगा, विपक्ष की भी छोड़ दीजिए, लेकिन जनता ये सवाल उठाएगी कि अगर उत्तर प्रदेश में 1,00,000 गाँव हैं तो हर गाँव में व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन गवर्नमेंट का क्या है? देखिए रमन जी, सरकार हर गांव में मुख्यमंत्री ये व्यवहारिक नहीं है कि हर गांव में मुख्यमंत्री जी पहुंच करके वहां की व्यवस्थाओं को देखेंगे। नहीं, लेकिन जनता तो उम्मीद करती है ना कि हर जगह क्या हरीश जी मेरा एक प्रश्न ले लें, ये मैसेज से हरीश जी मेरा एक प्रश्न ले लें, हरीश जी मेरा एक प्रश्न ले लें, विभिन्न जनपदों ये जो आपका कार्यक्रम है ग्राम चौपाल का, हरीश जी ये ग्राम चौपाल का जो आपका कार्यक्रम है ये भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है, भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है जिसकी एक सीमा रेखा 5 मई तय की गई है। 5 मई के बाद क्या उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए और उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और उत्तर प्रदेश के किसानों के चेहरों पे मुस्कान और खुशहाली लाने के लिए आपके मंत्रिमंडल के सदस्य और आदरणीय मुख्यमंत्री क्या सतत दौरे करते रहेंगे? मेरा एक प्रश्न यह है। बिल्कुल सतत दौरे करते रहे और कर भी रहे। नहीं, कहां कर रहे हैं? अगर आप आपने मैंने तो देखे हरी जी, मैंने पहले कहा और ये 5 मई तक आपने घोषित किया है, 5 मई तक आपने घोषित किया है देश की, मैं बार बार 5 मई तक आपने कहा है कि ये कार्यक्रम 5 मई तक चलेंगे। अब 5 मई के बाद अगर आप कहते आपको ये पहले बात कहनी चाहिए थी, चिंता है तो नहीं साहब, ये सतत कार्यक्रम चलता रहेगा। मुख्यमंत्री जवाब अगर सुनने का धैर्य हो आप लोगों के पास, जवाब अगर सुनने का धैर्य हो तब तो आप जवाब लीजिए। आप सिर्फ विपक्ष पे आरोप लगा सकते हैं, आरोप हमें लगाना चाहिए। आप हमसे कह रहे हैं कि हमें बधाई नहीं देते, हमने आपको धन्यवाद दे दिया, आपको बधाई दे दी, योगी जी की विरासत पे आपने क्या किया, गांधी जी की विरासत पे जो लोग 70 साल में 50 साल में अरे बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरे मन में भी था। आज अगर ग्राम स्वराज यात्रा करके आप गांधी जी की विरासत ले लो, मंत्री जी ने नरेंद्र दामोदर दास को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास गांधी लिख लो, कल चले जाओ, कौन मना करता है? रमन जी आप देख सकते हैं, राइट देता है, आप गांधी लगा लो ना। गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को, ग्राम स्वराज की जिस तरह से गांधी जी की परिकल्पना को कांग्रेस ने डस्टबिन में डाल दिया था और कांग्रेस 50 सालों में उसको साकार नहीं कर पाई, आज ग्राम सभा का गठन मोदी जी आदरणीय हरीश जी ग्राम सभा का गठन आपने किया, तो अभी आदरणीय मोदी जी ने कहा ये जो कांग्रेस की महिलाएं, अभी मोदी जी ने समाजवादी पार्टी, अभी मोदी जी ने नर्मदा के तट पे कहा एक तिहाई महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, मैं उसको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तिहाई महिलाओं को ग्राम में पहुंचने का, नेतृत्व करने का अधिकार किस पार्टी और किस नेता और किस सरकार ने दिया? ईमानदारी से आप उसकी भी चर्चा करें हरीश जी। आप तो गांधी को गोली मारने वाले और गांधी को गाली देने वाले, दोनों चीजें आपके पास है। तो ये बता, आपके नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी ने, आपके नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी ने जो इस समय राज्यपाल है, देखिए मैं पिछली बात में गांधी जी को गाली देने का काम आपके डायरी में लिखा हुआ है, गांधी जी का पोस्टर बॉय बना करके ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए आपने क्या किया? करेंगे हरीश जी, आपका क्या कोई करेंगे? देखिए सबसे बड़ा सवाल ये रमन, देखिए रमन जी, हरिचंद जी, रमन जी जी, ये कांग्रेस के लोग बतावे कि कितने इनके मुख्यमंत्रियों ने गांव में जाकर के प्रवास लगातार लगातार पार्टी के विरोध जी बैठे, सवाल है, लगातार सवाल है। चलिए सफाई को छोड़ करके, हरीश जी सफाई को छोड़ करके क्या ये किसी गांव में गए? हरीश जी आखिरी सवाल यही है कि जो सवाल बहुत लाजमी है, जो आपसे भी है, अरुण प्रकाश जी से है, मनोज यादव जी से भी है, सबसे बड़ा सवाल यह कि चलिए कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री रात्रि चौपाल नहीं लगाया किसी ने, चलिए मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बेरोजगारी का संकट है उत्तर प्रदेश में, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने का संकट है, सड़कें ठीक करने का संकट है, बिजली पानी सारी चीज़ों का संकट है, तो इन चीजों पे ठोस एक्शन कब होगा? इसलिए कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है और जनता ने जिस मैंडेट से आपको यहां तक पहुंचाया है वो अपेक्षा भी करती है।
नहीं, बिल्कुल अपेक्षा जनता की स्वाभाविक है और हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की अपेक्षाओं का स्वागत करते हैं। और जहाँ तक आपने चाहे बिजली की व्यवस्था आपने देखी, चाहे बेरोजगारी की, जितनी भी समस्याओं को लेकर के आपने चर्चा की, उन सब की समस्याओं के समाधान के लिए आदरणीय योगी जी की सरकार पूरी दृढ़ता और गंभीरता के साथ काम कर रही है। एक लाइन में अरुण जी, क्या आपको लगता है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है या सरकार अभी नई नहीं है तो अभी इनको ग्रेस पीरियड मिलनी चाहिए? अभी नहीं, देखिए सरकार को मैं कोई ये नहीं अभी घेरना नहीं चाहता, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी से बात जरूर कहना चाहता हूँ जी, कि गेहूं और खरीद, जो मैं खाली किसानों की बात कर रहा हूं, गेहूं और धान की जो खरीद हुई वो किसानों से खरीद नहीं हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के परिवार के लोग किसानों से सीधे गेहूं खरीद रहे हैं और ये लोग सरकारी केंद्रों पे बेच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यापारी। अरुण प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हम लोग कि अभी सरकार को, चूंकि नया नया अभी एक साल जुम्मा हुआ है, तो इस तरह का जो भी एक्शन हो रहा है, इस तरह का जो भी स्टेप उठाया जा रहा है, उसका कोई ना कोई हल निकले, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि उसके प्रदेश में खुशहाली आए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।